जी टी स्क्वायर बाय टू कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू भी पता कर सकते, या कॉट थीटा को नीचे ले जाओ तो आर टेन हो जाएगा, कभी इस्तेमाल करेंगे वो भी देख लिया। तो देखेंगे इधर बनमोर आर टेन थीटा इक्वल टू फोर एच, तो डाट डब्ल्यू आर टेन थीटा इक्वल टू फोर एच, आर टेन थीटा इक्वल टू जी आर टेन थीटा इक्वल टू जी टी स्क्वायर, राइट। दोनों का आर एच एस क्या है, दोनों का आर एच एस क्या है, अलग अलग है। आई एल एच एस क्या है हमारा, तो दोनों का एल एच एस इक्वेट कर दोगे, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर कर दो, तो हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में आ जाएगा। फोर एच इजिकल टू या एच इजिकल टू, डन डन डन। ये तीनों फार्मूले मंत्र याद रखो, कभी इस्तेमाल होगा तो बता दिया तुम्हें, जब टाइम ऑफ फ्लाइट दिया रहेगा और हाइट पूछा जाएगा तो नीचे ये वाला इस्तेमाल करोगे। इसे कब इस्तेमाल करोगे, ध्यान देखते जल्दी आंसर कौन बता पा रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड है तो मैक्सिमम हाइट बता दो। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड, किसी का आंसर आया गया? 125/8 या 125/4, 125/8 या 4, 125/4। समझ आ गया वो लोगों को, तो मैं बोल रहा हूँ ये सवाल मिलेगा तुम्हें, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है तो हाइट बता दो, इससे करोगे तो जल्दी आ जाएगा। और अगर जो क्या करोगे तुम, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ तो 2u sin θg अप्लाई करोगे तो वहाँ से भी अंदर आंसर आएगा बट लंबा पड़ जाएगा। समझे बात नहीं, क्योंकि तो उन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके ये डिराइव कर लिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देगा तुम्हें। तो एच बराबर कितना हो गया, gt² / 8, एच बराबर gt² / 8 कब इस्तेमाल करेंगे वो भी डन कर लिया। समझ आ गई बात नहीं आई, तो तीनों फार्मूले याद हो गया। आर टेन थीटा इक्वल टू फोर एच का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, तो देख लें क्या सवाल होगा, हर एक किताब में सवाल है फिर से। वो तीनों फार्मूले डिराइव कर दिया, उसके अलावा जो है तब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव करूंगा, वेलोसिटी में रिलेशन करूंगा, उससे पहले तो कुछ रेंज का एनालिसिस कर दे रहा हूँ, रेंज पे तो काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। तो आर इक्वल टू कितना लिख दिया तुमने, आर टेन थीटा इक्वल टू फोर एच, सवाल क्या होगा, हर एक किताब में, हर एक किताब में सवाल है, ऊपर देखेगा, रेडी हैं सब लोग, तो सवाल दिया जाएगा, ध्यान सुनोगे। और एग्जाम में पूछा गया कि रेंज और हाइट बराबर है, रेंज इक्वल्स मैक्स हाइट, रेंज इक्वल्स एंगुलर प्रोजेक्शन निकालो, तो टेन थीटा आ गया, टेन थीटा इक्वल टू फोर आ गया। क्वेश्चन है और आंसर भी सामने ही लिखा हुआ, रेंज और हाइट क्या है, सेम है, रेंज और हाइट निकालना क्या है, एंगुलर प्रोजेक्शन, तो ये दोनों सेम है तो एच और आर मार दो, तो टेन थीटा इक्वल टू फोर, थीटा इक्वल टू टेन वर्स फोर हो गया। किसी को वैल्यू चाहिए तो 76 डिग्री होता, टेन थीटा इक्वल टू फोर, थीटा इक्वल टू टेन वर्स फोर, किसी को चाहिए तो 76 डिग्री, पुरानी किताबों में एक अखबार तो 76 डिग्री भी लिखे हुए हैं। क्लियर बात हो गई वो लोगों को, रेंज और हाइट बराबर है। नीट का भी एग्जाम में 2012 में एक सवाल आया, उसमें जाकर देख लो, अगर देखना है किसी को तो पूरा सवाल लिखा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या है, बराबर है तो देन एंगुलर प्रोजेक्शन इज, तो थीटा इक्वल टू टेन वर्स फोर, डन हो गया वो लोगों को। तो क्या तुम्हें, मैंने बोले आर और एच बराबर है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, बराबर करूँ या डबल करूँ या आधा कर दूँ, बराबर नहीं है मतलब, अब इस तो कर ही दिया, अब कुछ और बताओ, डबल तो सवाल रहेगा ये भी, रेंज इक्वल्स टू टाइम्स हाइट, रेंज इक्वल्स टू टाइम्स मैक्सिमम हाइट, ये भी सवाल मिल जाएगा, रेंज इक्वल्स टू टाइम्स मैक्सिमम हाइट है, ये क्वेश्चन कर लिया ना लोगों ने। जिनको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लें कि हमें ये कैसे आ गया टेन थीटा की वैल्यू फोर, बता दो कैसे आ गया बता दो। मैं सिर्फ तुम्हें, अरे तुम्हारे नंबर को बढ़ाने के लिए 720 तक पहुंचाने के लिए हूं, तो जब तक नहीं तुम पूछोगे तो दिक्कत रहेगी तुम्हारे पास, हमारी भी दिक्कत बढ़ेगी। तो तुम ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे हम लोग क्या हैं, हम लोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं, समझ आई बात नहीं आई। तो जैसे तुम घर पे तुम्हें भूख लगता तो मम्मी से या पापा से बोलते हो ना कि मुझे खाना दो पानी दो, समझ आई बात नहीं, तो मांगते तो ऐसे ही समझ नहीं आता, तो यहाँ पे यहाँ खाना पानी यही है, यहाँ का खाना पीना यही है, समझ आई बात। यहाँ पे तुम्हें क्या खिला रहा हूँ मैं, तुम्हें खिला रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग को खिला रहा हूँ,
हमारे दिमाग को खिला रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कि सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम बताओ कि मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस में दिक्कत हो रही है। तो यह समझ में आएगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ रेंज इक्वल्स मैक्सिमम हाइट, तो बोलेंगे क्वेश्चन में ये बोला आर इक्वल टू एच। अब फार्मूला हमारे पॉकेट में क्या है, आर टेन थीटा इक्वल टू फोर, तो ऐसे करके डिराइव कर लेंगे। किसी तरह का तो झिझक छोड़ करके पूछा करें, समझ आ गया तो भी बोलें और नहीं आया तो भी पूछें कि यहाँ पे नहीं आया, और समझ आ गया तो बताने, जब पूछता हूँ कि बताओ तो बताएं। समझ आई बात? अब बोला भी था सुबह उठने के साथ क्या सोचोगे तुम? हाँ 720 के लिए पैदा हुआ, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं 720 ला के दिखाऊंगा। समझ आई बात? नहीं आई तो तुम पहला काम यही करते हो, तुम्हारे अंदर दिन भर एनर्जी भरी रहेगी। टाइम थीटा इक्वल टू कितना हो गया? तो अभी दूसरा क्या बोला लोगों ने, तो रेंज इक्वल्स टू टाइम्स हाइट। तो ध्यान देखिए, पहले तो यही कर दो, एक मिनट देखिए, इसको पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। पहले रेंज इक्वल्स मैक्सिमम हाइट, चलो टू टाइम्स वाला भी पहले छोड़ो, रेंज इक्वल्स। तो ये सवाल तो एग्जाम में आया, बता दें 2012 के नीट में पूछा गया है, और ऐसे और भी सवाल पूछा गया उससे पहले भी, बट जो है इस सवाल में आजकल किताबों में क्या बनाया वो देख लो, जो तुम प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, रेंज इक्वल्स मैक्सिमम हाइट, रेंज इक्वल्स मैक्सिमम हाइट। तो पूछा हुआ कि रेंज की वैल्यू बताओ, रेंज इक्वल्स मैक्सिमम हाइट, तो क्या बताओ तुम रेंज की वैल्यू बताओ। तो अब रेंज निकालने के लिए तो अब ये लगा देंगे, मंत्र लगाएंगे ऊपर, देगा अब हमें टेन थीटा पता चल गया ना, तो अब ये वाला फार्मूला लगा देंगे, रेंज का फार्मूला ये लगा देंगे। तो ये वाला फार्मूला इसलिए यूज होगा, हर एक किताब में सवाल पूछा हुआ है कि रेंज इक्वल्स मैक्सिमम हाइट तो रेंज बताओ, एंगल वेंगल तो पुरानी बात हो गई, रेंज और हाइट बराबर होता है 70 डिग्री पे, टेन थीटा इक्वल टू 4 पे, थीटा इक्वल टू 10 वर्स 4 पे, बट रेंज और हाइट बराबर हो तो रेंज बता दो, रेंज और हाइट बराबर तो क्या बताओ, रेंज, रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो यू स्क्वायर आई जी 2, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और यहाँ भी 4 रखेंगे तो 17 हो जाएगा नीचे, 8/17 यू स्क्वायर आई जी, किसको मजा नहीं आया, हर एक किताब में सवाल है, बताने के बावजूद ये सवाल ऐसा है कि बताने के बावजूद जो है तो काफ़ी लोग डाउट में पूछते हैं कि ये नहीं हुआ हमसे, रेंज ये वाला नहीं, ये वाला पूछते हैं, रेंज इक्वल्स हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, जल्दी बताएंगे आंसर, रेंज ये हर एक किताब मिलेगा, रेंज इक्वल्स हाफ ऑफ एच मैक्स, तो क्या बताएं यहाँ पर, रेंज बताएं, रेंज इक्वल्स हाफ ऑफ एच मैक्स, रेंज बताएं, देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है, रेंज रेंज एंगल से आगे बढ़ना, रेंज रेंज बताना, ओके 16/, ओके 16/65 जी में ही ऑप्शन यूजुअली रहते हैं, तो क्या हो गया यू स्क्वायर बाई जी, देख ले रेंज आधे मैक्सिमम हाइट के आधे के बराबर है, रेंज जो है एच बाई टू है, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h, रतन चोर है ऐसा याद कर लिया लोगों ने, किसी का रतन ही नाम होगा तो बुरा नहीं मानेंगे, आर आर के जगह एच बाई टू डाल दिया, ऐसा ऐसा कर लेंगे, ऐसे जो है बस याद रखने के लिए इसको बनाया गया है। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, तो टेन थीटा इक्वल टू 8 आ गया, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया, तो अब डाल देंगे फार्मूले में डाल देंगे कितना, तो यू स्क्वायर बाई जी 2 टेन थीटा 1 प्लस, तो 16/, तो 2 और आपसे करवा रहा हूँ इस पर, मान लूँगा फिर मंत्र याद हो गया तो, मैं देखते हैं जल्दी से कौन आंसर दे रहा, दोनों केस में रेंज निकालना, दोनों ही केस में क्या निकालना, तो रेंज इक्वल्स 2 टाइम्स हाइट, रेंज इक्वल्स 2 टाइम्स हाइट, 2 टाइम्स मैक्स हाइट, 1 क्वेश्चन ये, जल्दी देखते हैं किसका आंसर आ गया, 4/5 गुड, 4/5 यू स्क्वायर बाई जी, एनीबडी एल्स, 4/5 यू स्क्वायर बाई जी, सबका आ जाना चाहिए था, आप दूसरा ये भी काम करें,
दूसरे आपको क्या बताया था कि हम तो डॉक्टर बनना ही चाहते हैं और बाकी लोगों को भी बनाना चाहते हैं, तो आप कर लेते तो अगल बगल वाले को भी देख लें कि वो कर पाया नहीं कर पाया, और वो कर पाता है तो बढ़िया, नहीं कर पाता तो क्या करें, दो काम करें, या तो उसको बता दें या फिर नहीं बताना चाहते तो आप मुझे बता दें कि ये नहीं कर पाया। समझ एक बात नहीं आई, ताकि उस पर जो है तो नज़र रखी जाए कि वो कर नहीं पाया। बताया था कि क्या करना इम्पोर्टेंट है, ये जन जन योजना, क्या योजना है जन जन, कि हम खुद भी डॉक्टर बनाएं और दूसरे को भी बना दें, अगल बगल वाले को भी बना दें। समझ एक बात नहीं आई, तो आप इंश्योर करें कि बगल वाले का आया नहीं आया, देख लें तो कॉपी देखने से आपको पता चल जाएगा ये कर नहीं पाया, उससे ये भी आपको पता चल, फायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा उससे कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हो जाती है लोगों से। समझिए, तो अपने आप को रेक्टिफाई कर लेंगे हम, वो नहीं करेंगे। तो रेंज इक्वल्स कितना हो गया हमारे पास, बहुत आसान है, आर टेन टी इक्वल टू 4H, आर की जब कितना भर दूँ 2H मर गया तो कितना हो गया, तो टेन टी इक्वल टू हो गया, टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला डाल देंगे यू स्क्वायर वाई जी 2 × 2 1 + 4 4 + 1 तो कितना आ जाएगा 4/5। तो मंत्र ईश्वर मैं बोल दे रहा हूँ कि इस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, रेंज हाइट का डबल है या रेंज हाइट का आधा है, दोनों क्वेश्चंस तुम्हें किताबों में मिलेंगे, तुम कर लोगे जहाँ पे, क्योंकि पास्ट में काफ़ी लोग इसको डाउट में पूछे हैं, बताने के बावजूद अभी बता दिया ना, फिर भी लोग तो पूछते हैं डाउट में क्यों ऐसा करते हैं, बताएंगे आप? उसका दो कारण है, गुड, एक कारण तो है कि याद नहीं रहता, दूसरा क्या कारण है? क्लास में ध्यान नहीं सुनते, गुड, वो भी कारण है, बट एक और भी कारण है कि अभी पढ़ाया जा रहा तो अभी नहीं करेंगे, वो कुछ दिन बाद करेंगे, तो उससे भी तुम लैप्स कर जाओगे। अभी ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा तो अभी साथ में करोगे घर पे, जो भी आपके पास वर्कबुक हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो आपकी स्पीड ज़्यादा भी होगी और जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। समझ आ गया नहीं है, कन्वर्सन रेट आपको ज़्यादा रहेगा, और इसी को जा करके दो दिन चार दिन बाद करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो सारे भूल जाओगे तुम। समझ आई बात नहीं आई, तो रेट कम हो जाएगा कन्वर्सन का, जितना तुम्हें आता था वहीं पर रह जाओगे। तो ज़रूरी कि जो टॉपिक शुरू हुआ तो उसमें क्वेश्चंस करते रहें, जब टॉपिक हमारा ये ख़त्म होगा तो आपका भी मोस्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएगा, और जो भी दिक्कत आप पूछ लें। समझ आई बात, तो 4/5 निकाल लिया, तो डन कर लिया, तो देखते हैं इस बार जल्दी से कौन आंसर दे रहा, जल्दी से कौन सा आंसर दे रहा है इस पर। जो है तो एक जनरलाइज कर दूंगा और एक लास्ट वाला दे दे रहा हूँ, ये भी एग्जाम में पूछा ही हुआ है, तो देखते कौन आंसर बता पा रहा। 3 times मैक्स हाइट, रेंज इक्वल्स 3 times मैक्स हाइट, हर एक का आंसर आ जाना चाहिए। ये सारी किताबों के लेकर एग्जाम में तो कभी ना कभी पास्ट में पूछे हुए हैं। यस, 9/10, गुड, एनीबडी एल्स? ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव, हाँ, यू स्क्वायर जी तो रहेगा ही रहेगा डायमेंशनली, बहुत ही आसान था। क्या करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू, तो 4/3 थीटा इक्वल टू कितना आ रहा था, 53 degrees आ जा रहा, इतना भी कहीं सवाल जो पूछा गया था इतना ही तक पूछेगा था। रेंज इक्वल 3 times मैक्सिमम हाइट तो कितना आ जाएगा हमारे पास, उधर 3 रखेंगे इधर 4 होगा, तो 4/3, तो 4/3 की वैल्यू कितनी होती है, 53 degrees आती है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारा 53, तो डन हो गया। तो अब क्या करेंगे, इधर देखोगे तो अब यहाँ पर डालेंगे फार्मूले में, मशीन में डालो रेंज कैलकुलेटर, तो 2 times टेन थीटा 4/3 या 1 + कटवट लगा दोगे तो 24/25 यू स्क्वायर जी तो रहेगा ही रहेगा डायमेंशनली। डन हो गया वो लोगों को, तो लास्ट खुद ही डिराइव कर लें और याद भी रख लेंगे कि लास्ट में तो रेंज इक्वल्स एन टाइम्स मैक्स हाइट, तो जनरलाइज एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखते हैं ये कितने लोग सही सही कर पाते हैं। आर रेंज रेंज इक्वल्स एन टाइम्स मैक्स हाइट, जनरलाइज कर दिया, जनरलाइज। अब ये मंत्र जो है ना, इतनी 10-15 मिनट भाषण दे दी, आर टेन थीटा इक्वल टू 4H, आर टेन थीटा इक्वल टू 4H,
और कई बार 5-6 बार अप्लाई भी करवा दिया तो याद रह जाएगा जीवन भर के लिए। जरूरी है कि तुम अपना तो इसमें हर्ट लगाओ कि हाँ दिल तुम्हारा यहाँ लगता है। आर टेन थीटा इक्वल टू 4h, रेंज इक्वल्स एन टाइम्स मैक्सिमम हाइट, फाइंड रेंज। गुड, 8n/n² + एन ओके, 8u² / g तो रहेगा। बेसिकली 10 थीटा की वैल्यू 4/n आ गया। 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गया? 4/n। तो नीचे में n² + 16 आ गया और ऊपर में 8 आ गया। तो मोस्टली लोगों ने कर लिया होगा। आर टेन दिया हुआ सवाल में आर इज इक्वल टू एन एच, और हम जानते हैं क्या आर टेन थीटा इक्वल टू, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h। आर के जगह कितना रख दें आप? आर के जगह पे एन एच रख दें। आर के जगह कितना रख दें आप? एन एच, एच एच हटा दोगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? तो डाल दोगे फार्मूले में, रेंज कैलकुलेटर में डाल दो, u² / g और 2 tan थीटा 4/n/16/n² एलसीएम अगर ले लोगे लेकर सबको यह मंत्र याद हो गया। ये भी किताबों में तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही पूछे हुए हैं, 8n/n² + 16। तो डायरेक्ट जो था मैं बोलना चाहता हूँ कि जो पहले करा था तो यहाँ से डायरेक्ट इसमें भी इस्तेमाल करते हो। आर इक्वल टू 2h दिया हुआ था ना, आर इक्वल टू 2h तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ से सिंपलीफाई कर सकते, नीचे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 16 बटे 20 मतलब 4/5 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको याद रखो और इसमें डालते जाओ एन की वैल्यू। क्लियर है? तो आगे मूव करेंगे तो इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 रेंज के 5 फार्मूले को तो क्या कर दिया हमने, तो एक्सप्लेन कर दिया रेंज के 5 फार्मूले को एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? तो एक जो है तो जस्ट फटाफट देख लें क्या होता है रेंज का, ये वाला फार्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2u² sin θ cos θ भाई, इस फार्मूले को क्या बोलोगे कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी हमारी? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितनी हमारी? थीटा है। कहाँ से थीटा है? हॉरिजॉन्टल से थीटा है। कहाँ से थीटा है? इसमें एक जस्ट अपना ऐसा देखें कि जस्ट किसी जब किसी प्रोजेक्टाइल को तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फेंक दिया, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल फेंक दिया तो ये रेंज आ गया। ठीक है? और जैसे देखें इधर, इसी को हॉरिजॉन्टल से थीटा बोलो या वर्टिकल से कितना बोलो इसको? 90 - θ। हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंकेंगे तो भी रेंज इतना ही होगा और वर्टिकल से कितने फेंकेंगे? 90 - θ तो भी इतना ही रेंज होगा। ठीक है? फिलहाल वर्टिकल वाला छोड़ दें, हॉरिजॉन्टल वाला तो याद हो गया सब लोगों को। तो इसको क्या लिख देते फार्मूले को देखो इधर, इस फार्मूले को ऐसे लिख दिया हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के लिए, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल के लिए? थीटा एंगल के लिए। अब जो है तो इसी को क्या देखते हैं, एक ऐसा एडजस्टमेंट करके देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल से 90 - θ डालता हूँ, हॉरिजॉन्टल से कितने डालता हूँ तो थीटा थीटा की जगह पे 90 - θ सब जो फिलअप कर देंगे, थीटा की जगह पे सब जो क्या फिलअप कर देंगे 90 - θ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2u² / g और साइन 90 - θ cos 90 - θ तो फिर से वही आ जाएगा, साइन 90 - θ cos 90 - θ, साइन 90 - θ कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 - θ साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 90 - θ तो कितना आ गया फिर से, तो 2u² sin θ cos θ / g आ गया। तो मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ डायलॉग दे दिया कि क्या बोलते हैं थीटा और 90 - θ क्या बोलते हैं हम लोग, ये एंगल क्या हमारे पास थीटा और क्या हमारे पास 90 - θ, ऐसे एंगल्स को जिन जो एंगल्स का जोड़ने से 90 हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलते हैं। तो पूरे लाइफ में यूज करोगे, कभी भी दो एंगल का सम कितना हो जाए हमारे पास 90, तो उसे नाम से क्या पुकारेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उस पर रेंज क्या होता हमारा तो सेम होता। डायलॉग आ गया कि थीटा पे फेंके या 90 - θ पे फेंके रेंज क्या होता हमारा सेम होता है। कितने लोगों का डायलॉग याद हुआ? हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंके या हॉरिजॉन्टल से 90 - θ के फेंके रेंज क्या होती है, या इसको क्या बोलोगे, इसको बोलो हॉरिजॉन्टल से थीटा, इसको क्या बोलोगे
इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा, और इसको क्या बोलोगे वर्टिकल से थीटा, वर्टिकल से, तो ऐसे ही बोलते हो हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंके या वर्टिकल से थीटा पे फेंके, रेंज क्या होता हमारा, डन हो गया वो लोगों को, रेंज सेम होता है। डायलॉग क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल जिनका जोड़ने से 90 डिग्री आ जाए उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज बराबर होता है, हर एक को मंत्र याद हो जाना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज बराबर होता है, ऐसा दो एंगल जिनको जोड़ने से कितना हो जाए हमारा, तो 90 डिग्री हो जाए, ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने से क्या हो जाए हमारे, तो ऊपर देगा। ऐसे एग्जांपल ले लें, दो एंगल बताओ जिसको जोड़ने से 90 हो जाए, तो 45 45 देखा इधर, दो एंगल, दो एंगल, दो दो बार ये सवाल पूछा गया, दो एंगल ऐसा ऐसा ले लिया, बोले इन दोनों पर रेंज का रेशियो लिखो, एक एंगल इतनी है और एक एंगल इतनी है, दोनों पर रेंज का रेशियो लिखो, ध्यान देगा इधर। कभी भी जीवन में प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में या वैसे भी एंगल दिया हो तो पहला काम क्या करना, तो मैं जोड़ के देख लेना, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट बोलते, क्या बोलते इसे, जोड़ के देखा, अगर एंगल 90 हो गया तो गारंटी होगी दोनों का तो रेंज क्या होगा, सेम होगा। देख लो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में दो बार पूछा हुआ, नहीं लेकिन जेई मेंस में भी पूछा हुआ, जेई मेंस में भी पूछा हुआ कि रेंज ये दिया रहेगा कि प्रोजेक्टाइल इतना पे फेंका गया, इतना पे फेंका गया, बीचा तो फॉलिंग इज करेक्ट है, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, बोलेंगे दोनों केस में रेंज का वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, रेंज का रेशियो कितना हो जाएगा, और कैसे टेस्ट करोगे, तो दोनों को जोड़ के देख लोगे, एंगल टेस्ट कर लोगे। तो ये तो बता दिया कि रिपीट एग्जाम दो से तीन बार पूछा हुआ है, बाकी ऐसे तो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जहाँ पे क्या लिखा रहेगा ये देखते हैं, यहाँ पे ये सही है गलत है, 5π/18 5π/18 माइनस अल्फा एंड तो 4π/18 प्लस अल्फा, यहाँ पे देखो रेंज बराबर है या अलग अलग है, रेंज बराबर है या बराबर या अलग अलग, देखो पाई बाई टू आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है, अरे पाई बाई टू आ रहा है तो बराबर ही होगा ना, यही तो इतनी देर से बोल रहा हूँ कि जोड़ दोगे, जोड़ देना आता है, जोड़ दोगे तो अगर जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ गया तो रेंज क्या होगा, बराबर होगा, या उल्टा भी सवाल कर लोगे कि अगर रेंज बराबर है तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, या कैसे कैसे बताइए, हॉरिजॉन्टल से थीटा, हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा, या क्या बोलेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल से थीटा भी फेंका, एक बार वर्टिकल से थीटा भी फेंका, तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, तो सभी तरह से स्टेटमेंट पूछे गए, और ये एंगल टेस्ट दिखा दिया, दो तो हमने दिखा दिया ना, ये वो ऊपर वाला तो डायरेक्ट सवाल दो बार एग्जाम में पूछेंगे, तीन बार, एक दो बार नीट में और एक बार जेईई मेंस में, अब बाकी ये वाला ही तो किताबों में दिया हुआ, बाकी ऐसे एंगल्स का पेयर लिख लो जो दो एंगल्स जोड़ने से कितना हो जाता, 90, देखो इधर 1 डिग्री एंड कितना, 189 जोड़ने से कितना आ जाएगा, समझ आई बात, तो पांच एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बाकी तुम दे दो, कुछ क्वेश्चन किताबों में सवाल भी मिल जाएंगे, एक दे रहा हूँ मैं कितना 15 डिग्री, तो 15 डिग्री का कंप्लीमेंट्री कितना हो गया, 75 हो गया, तो 15 डिग्री पे और 75 पे रेंज की वैल्यू क्या होती है, 20 और कितना 70 पे, 20 और 70 पे रेंज क्या होता है, 50 और 40 पे रेंज क्या होता है, तो सेम होता, 30-60 पे रेंज क्या होता, सेम होता, 5 और 85 पे क्या होता हमारा, तो ऐसे हमने बता दिया, या तो 53 और 37 पे रेंज क्या होता, सेम होता, इतने एंगल हमने बता दिया, एक एक एंगल तुम जल्दी जल्दी बता दोगे, बोलो 10 डिग्री और 80 डिग्री, नहीं तुम अपना बोलो ना कुछ, 30 और 60, चलें आप जल्दी जल्दी बोलें, एक एक एंगल बोल दे ताकि आप तुम्हें याद रह जाए जीवन भर के लिए, 20 70 50 40 1889, जल्दी बोलोगे, दो ऐसा एंगल बोल दो जिनको जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए, 288 गुड, हाँ इधर 55 and 35 50 and 40, जल्दी बोलेंगे, कोई दो एंगल का नाम बोलो तुम्हें याद रह जाएगा इसलिए बोलवा रहा हूँ, यस 60 30, जल्दी 55 35 70 20 25 and 60 79 and 11, यस 37 53, यस
फोर एंड 86 21 एंड 69 यस। तो या तो एक एंगल क्वेश्चन में दे रहे हैं, एक को ढूंढना होगा कौन सा सही है, समझिए बात नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हर एक को याद रह जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे तो मंत्र क्या गया, थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या होता है, रेंज तो सेम होता बट हाइट अलग अलग होता, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होता, हाइट अलग अलग होता है एच थीटा को और एच 90 माइनस थीटा को, हाइट अलग अलग होता है, हाइट अलग अलग होता है, तो हाइट 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 कितना लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, तो ये 2dg, और यहाँ पे कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो दोनों सेम आया अलग अलग आया, अलग अलग आया, एच वन मान लें और इसको क्या मान लें, तो इसको एच वन की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और एच टू की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई, याद हो गया थीटा और 90 माइनस थीटा पे एच वन एंड एच टू निकाल लिया, तो एच वन एच टू अलग अलग होंगे बट हाइट रेंज क्या होगा हमारा सेम होगा। तो देखेंगे चार इन्फॉर्मेशन नहीं करते, एच वन एच टू सामने आ गया, तो एच वन एच टू पे चार ऑपरेशन करते हैं, चार ऑपरेशन ही हम लोग जिंदगी भर पढ़ते हैं, चार ऑपरेशन क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, एच वन एच टू आपके सामने चार ऑपरेशन में, तो पहला ऑपरेशन करते हैं इन दोनों का क्या लें, रेशियो ले लें, एच वन बाई एच टू पता कर लें, और दूसरा क्या कर लें, एच वन और एच टू गुना कर लें, और तीसरा क्या कर लें, तो ऐड करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं एच वन प्लस एच टू प्लस एच वन और एच टू माइनस एच वन, ये चार ऑपरेशन कर दिया, चारों फार्मूला आपको तो जरूरत पड़ेगी, रेंज तो सेम होता बट ये बात चीज़ें, तो एच वन एच टू बराबर नहीं होते, एच वन एच टू का रेशियो निकालो, एच वन एच टू का प्रोडक्ट निकालो।